हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड के बाद कि सर बैंकिंग की वीडियो नहीं आ रही हैं, सो स्टूडेंट्स आज से आप लोगों की बैंकिंग की एक सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैथमेटिक्स के अराउंड मैं आपको 200 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन जेके बैंक पीओ क्लर्क आईबीपीएस पीओ आरआरबी में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के, उसमें से 200 क्वेश्चन की एक सीरीज चलाने वाला हूं, जिसमें हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाऊंगा। आपका काम क्या होगा, आप लोगों ने डे बाय डे उनको प्रैक्टिस करते जाना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाते जाना है। बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक जो बच्चे बैंकिंग एग्जामिनेशन देते हैं उनको पता है सबसे स्कोरिंग और इजी टॉपिक होता है। क्लियर? तो नियर अबाउट आपके, अगर हम लोग पीओ की बात करें, जेके बैंक पीओ, तो उसमें 5 से लेके 10 तक मार्क्स की इसकी वेटेज रह सकती है और क्लैरिकल में 10 से लेके 15 मार्क्स। तो आप लोग समझ सकते हो कि आउट ऑफ 35 अगर 15 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के मिल रहे हैं, इसके साथ साथ अप्रोक्सीमेशन भी इसी में आ जाता है आपका टॉपिक, तो आप लोग समझ सकते हो कि वेटेज कितनी ज्यादा है। सो स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा चीजें हैं सीखने वाली सिंप्लीफिकेशन में, तो मैं कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई अप्रोच नहीं सिखाऊं, बट सिर्फ देखने से आपकी बात नहीं बनेगी। आप उन क्वेश्चंस को, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, जो नंबर मैं आपको लास्ट में दे दूंगा वीडियो के। क्लियर? सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर वन। हियर इज क्वेश्चन नंबर वन। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज सेइंग 72 by x is equal to x by 128। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने की टेक्निक है, दिमाग में बड़ी सारी चीजें आती हैं। पहली ये आती है कि चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे लिखते हैं x square is equal to 128 multiply 72। फिर क्या करोगे आप लोग, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम जाएगा, उसके बाद आप लोग मान लो जो भी वैल्यू आती है यहाँ से, उसका आप लोग स्क्वेयर रूट निकालोगे। ये वैल्यू नियर अबाउट 5 डिजिट की बनेगी कम से कम, मान लो ऐसे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कितनी बड़ी वैल्यू बन गई। फिर आप इसका स्क्वेयर रूट निकालोगे तो कितना टाइम निकल जाएगा बताओ? इतना टाइम होता नहीं है। मैंने क्या बोला कि 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है आपने कैसे इसको अप्रोच करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन को, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पता है आपको x का स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 72, ऐसे ही करना है आपने बस 128। अब आपको पता है आंसर लाने के लिए वैल्यू का क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो स्क्वायर रूट यहीं से आप लोग लिख सकते हो, ये मैं लिख रहा हूं, लिखना होता नहीं है। आप क्या करिए, जल्दी से इनके फैक्टर बनाना शुरू करिए जो आपको लगता है। देखो ये 8 × 9 बनेगा। क्लियर? ये भी 8 से वैल्यू चली जाएगी। कैसे? 8 × 1 = 8 और पीछे बचे 4 × 8 = 16 से। क्लियर? अब देखो फैक्टर बनाओ जल्दी जल्दी। 8 और 8 का 8 × 8, 9 का कैसे बनाओगे 3 × 3, इसका बना दिया 4 × 4। क्लियर? इन वैल्यू का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। पता है आपको स्क्वेयर रूट जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 का 1 1 लिखते हैं, पेयर बनते हैं, वह 1 1 बाहर आता है 8 × 3 × 4। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 8 × 3 = 24, 24 को 4 से करोगे तो 96 आपका राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह की आपको अप्रोच लगानी है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ज्यादा टाइम ले लिया। जैसे ही क्वेश्चन मैं देखूंगा, आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन देखा, अच्छा इसमें तो यार स्क्वेयर रूट निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों मल्टीप्लाई करना है ना, बाद में स्क्वेयर रूट निकालना तो है, वहीं से आप चीजों को ब्रेक करना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे चीजों को ब्रेक करोगे, चीजें आसान ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। क्लियर? तो आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन में आपने ये चीज कभी नहीं करनी है। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है, बट ये लॉन्ग मेथड है। इस तरह के से सॉल्व करके हम लोग बैंकिंग एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्टिव जो आपका पेपर रहता है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अगर आपको प्रॉपर टाइम दे दिया जाए, अच्छा खासा टाइम दे दिया जाए, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। क्लियर? बट विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करना ही आपका चेक किया जाता है आपके इस तरह के एग्जाम में। क्लियर? सो आई होप ये अप्रोच आपको अच्छी लगी होगी। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर टू। हियर योर क्वेश्चन नंबर टू, एंड क्वेश्चन आपका है 4/7 of 441 / 18 + 14 = square। उसको पूछा है कि आपने बताना है किस वैल्यू का ये स्क्वेयर रूट होगा। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सोचने के सबसे पहला तरीका ये है, बड़े ध्यान से मेरी बात को आप लोग समझना, चलो वो मैं बाद में समझाता हूँ, पहले हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बताता हूँ। देखो 4/7 दिखा,
ये क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपने पेन से क्या लिखना है नोटबुक पे, बस वो ध्यान देना है। आपको पता है 7 ये मल्टीप्लाई में जाएगा ऑफ की जगह, ये नीचे आएगा 18 डिवाइड में, क्लियर। तो आप लोग क्या करोगे, 7 को पहले इससे काट लो, 7 से काटोगे, 7 6 42 पीछे बचे 2, 21 7 3 21। ये सिर्फ मैंने अभी तक ये वैल्यू लिखी है, 4 यहां से बचा हुआ है और 18 आपका कहां है डिवाइड में आएगा प्लस 14, क्लियर। तो आगे काटो इसको, 9 2 9 7 2 1 2 2 4। तो आगे देखो फिर क्या बनेगा, 7 2 14, 14 और 14 कितने हो गए 28, क्लियर। ये वैल्यू आ गई 28, आपने बताना है 28 का ये वैल्यू आपने बतानी है, यहां पे x की वैल्यू क्या होगी। तो जब रूट यहां से हटेगा तो 28 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, और 28 का स्क्वायर आपको पता है 784 होता है, क्लियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, 784। इस तरह से आप अप्रोच लगाओगे तब भी ये क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में आराम से निकल सकता है, क्लियर। 30 सेकंड से मैंने ज्यादा लिख दिए, 15-20 सेकंड में ये निकल सकता है, क्लियर। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपको देखो यहां पे मैं एक चीज आपको समझा दे रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में आपका चेक होता क्या है। सबसे पहली चीज आपकी चेक होती है टेबल्स, क्लियर। टेबल आप लोगों ने कितने अच्छे से लर्न करे हुए, जैसे मैं इसको काट रहा हूं 7441 से, अगर आप ये नहीं काट पाओगे तो फिर बड़ी मुश्किल है। टेबल्स आपको 1 से लेकर 20 तक के डिटेल में याद होने चाहिए, ऐसे नहीं कि मैंने पूछा 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 132, ये तो आपको पता होगा ही होगा। इस तरह के फैक्टर्स मैंने पूछा 144 कैसे आता है, किस किस के कॉम्बिनेशन से आता है, तो वो आपको चीजें पता होनी चाहिए कि 16 9 से आता है, 18 8 से आता है, क्लियर, 12 का स्क्वेयर होता है। इस तरह के अगर आप लोग इस तरह से टेबल्स को लर्न करोगे तो आपका जो टॉपिक, इसके साथ साथ आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है, वो भी आप लोगों का काफी स्ट्रांग हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग वहां जाके उसके शॉर्ट ट्रिक्स, ऑसम शॉर्ट ट्रिक्स मैंने उसमें बताए हुए हैं, क्लियर। वो खुद के मेरे शॉर्ट ट्रिक्स बनाए हुए हैं जो मैंने अपने 2 साल के बैंकिंग एग्जामिनेशन के एक्सपीरियंस से चीजें नोट करी हुई है, क्लियर। तो बट अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे तो हो ही सकता है, बट आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है। देखो ये वैल्यू क्या है, जो भी वैल्यू आप लोग समझो कि जिसका आपने क्या बताना है, स्क्वेयर रूट निकालना है, एटलीस्ट वो एक परफेक्ट स्क्वेयर नंबर होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वेयर होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी, परफेक्ट स्क्वेयर वो वैल्यू होनी चाहिए, तभी उसका रूट कोई परफेक्ट वैल्यू आ सकती है नेचुरल नंबर में। अब आप देखो अगर आपने स्क्वेयर रूट स्क्वेयर्स याद किए होंगे, 684 किसी का स्क्वेयर होता है बताओ, नहीं होता, 684 किसी का स्क्वेयर नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, 740 किसी का स्क्वेयर नहीं होता तो ये आंसर नहीं हो सकता, 810 किसी का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होता, ये आंसर नहीं हो सकता। वैसे भी आप 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर एग्जाम में देता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बट होता क्या है, वहां पे थोड़ा सा टाइम का प्रेशर होता है, इस तरफ आपकी क्लॉक चल रही होती है, क्लियर। तो उसका प्रेशर जो है उस चीज को एब्जॉर्ब करना एग्जाम में बैठ के, और इस तरह से चीजों को सोचना ही आपका वहां पे एबिलिटी को चेक किया जाता है। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो स्टूडेंट्स, जो आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 10-20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट एक प्रॉपर अप्रोच की आपको जरूरत होती है, वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाने की कोशिश करूंगा। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो कैसे सोचोगे। देखो 7 डिवाइड में है, आगे वाली चीजें मल्टीप्लीकेशन में है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। 7 से काटेंगे, 7 3 21, पीछे बचा 3 35, 7 5 35, 350 बनेगा, क्लियर। प्लस अब 112 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, यहां कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे करेंगे 1 2 1 1 2 इंटू 25 बाय 10, फिर इसको काटेंगे 6 2 12, फिर इसको काटेंगे 6 5 30, 280, इस तरह से निकालेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे एग्जाम में निकालोगे तब भी आप विद इन टाइम इस क्वेश्चन को कर लोगे, बट मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं,
कैसे करनी चाहिए, एग्जाम में कैसे हम लोग उसको जल्दी कर सकते हैं वो देखिए। देखो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना था, आपको पता है 112 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। 112 को अगर मैं पहले 2 से कर लूं फिर 0.5 से कर लूं, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, सेम ही बात है। 112 को आप दिमाग में कर सकते हो, डबल इसका 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 224 कर सकते हो आराम से, क्लियर। उसके बाद देखो 112 को करना है 0.5 से, 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा 1/2, तो कर दो आधा इसका, 112 का आधा आराम से कर सकते हैं, कितना बनेगा 56, 6 × 4 = 10, 280, क्लियर। इस तरह से अगर आप लोग दिमाग में चीजों को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दोगे तो चीजें आपके लिए बड़ी ज्यादा आसान हो जाएंगी, क्लियर। सो ये कितना बन गया 280, क्लियर। करो इसको 8 × 5 = 13, 3 × 2 = 5 और 1 = 6, तो ये कितना बन गया 630। अब ये 2 सेट मल्टीप्लाई में था, डिवाइड इधर आके डिवाइड में जाएगा, 630 का आधा कर लो कितना बनेगा ये 315। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या बनेगा 315। स्टूडेंट्स ये चीजें समझाने में टाइम लग रहा है बट एक्चुअल में अगर आप इसको खुद करोगे बैठ के तो ये 30 सेकंड्स के अंदर आपके क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है इसमें। बस आपको टेबल्स में आप एक्सपर्ट होने चाहिए, स्क्वेयर्स में आप एक्सपर्ट होने चाहिए, क्यूब में आप एक्सपर्ट होने चाहिए, परसेंटेज में आप लोग एक्सपर्ट होने चाहिए, कैसे परसेंटेज जल्दी निकाल सकते हैं, क्लियर। तो ये जो सारी की सारे टॉपिक्स हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके, मैंने हर एक चीज वहां पे डिटेल में डिस्कस करी हुई है, वहां जाके आप लोग जिनका ये बेसिक थोड़ा सा कमजोर है वो वहां से जाके पहले बेसिक्स को क्लियर करेंगे, फिर इस तरह की अप्रोच आपको लगाने में आसानी हो जाएगी, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 315, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये और एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है बैंकिंग एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा, हर एक एग्जाम में आता है। तो अब देखो इसमें क्या है, फ्लैट क्वेश्चन है, कुछ भी प्लस माइनस में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड में सारी बातें हो रही हैं। तो कैसे करना होता है, देखो आपने पेज पे वही चीज नोट करनी है जो आपको लगे कि यार ये लिखनी ही पड़ेगी। अब देखो जैसे 7 है, 7 × 3 = 21, नीचे 3, क्लियर। देख समझना बात को, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। मैं काट इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि आप स्क्रीन पे वहां चीजों को नहीं काट सकते, उसके लिए आपको चीजों को लिखना पड़ता है, क्लियर। सो कैसे करेंगे, 7 × 3 = 21, क्लियर। तो 6/5 × 1/8 × 24/3 × आप इस तरह से नोट कर सकते हो इसको, क्लियर। तो अब काटना ही है, 8 × 3 = 24 होता है, 24 सीधा कट जाएगा, 5 से ये काटना की दूरता है, काटो 5 से, 5 × 4 = 20, कैरी 4 42, 8 × 5 = 40, कैरी 2 485, क्लियर। अब 485 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 6 से। तो इस तरह से आप अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, 8 × 48 = 51, 6 × 24 = 5, 29, इस तरह से आप आराम से इसको 10-15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, क्लियर, 2910। तो काटने में आपको ये जो मैं काट रहा हूँ 8 × 3 = 24, इस चीज में आप लोग थोड़े से एक्सपर्ट होने चाहिए, इसकी आप लोग अलग से प्रैक्टिस करना खुद बैठ के, तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप लोग इस नंबर पे मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, क्लियर, रिगार्डिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन में, चाहे वो रीजनिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैथ्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो इंग्लिश की प्रॉब्लम हो, आई विल हेल्प यू, क्लियर। मैं कोशिश करता हूँ हर बच्चे की हेल्प कर सकूँ व्हाट्सएप पे जो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भेजते हैं, क्लियर। सो अभी तक 3-4 टाइप के हमने पैटर्न देख लिए हैं सिंप्लीफिकेशन के। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आता है, जो बच्चों पेपर देते होंगे उनको इस बात का पता होगा, क्लियर। तो इसमें कई बार क्या होता है, हम लोग ऐड करते हुए गलती कर जाते हैं, वो फ्रैक्शन में आपकी एडिशन को चेक करता है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो आपने देख लिया, अच्छा यार डेसिमल में है सारे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों की पहली अप्रोच ये होनी चाहिए, आप डेसिमल्स को छोड़ दो, डेसिमल्स वाली वैल्यूज को छोड़ दो, आप सिर्फ डेसिमल के सामने वाली वैल्यूज को उठाओ। 333 यहाँ पे है, 33 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, बाकी 00 है, कोई बात नहीं। आप पहले इनको ऐड करके देख लो, क्या पता ऑप्शन से एक आइडिया मिल जाए, वहीं से ऑप्शन एलिमिनेट होना शुरू हो जाए। 333 में 33 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, दिमाग में कर सकते हैं, 366 बनेगा। 366 में 13 और जोड़ने हैं तो कितना बनेगा, 66 में 3 किए तो 69, 10 जोड़े तो 379, क्लियर। तो मतलब कि जो भी आपका आंसर है वो 379 के आसपास होना चाहिए, क्लियर, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी वैल्यू सारी उठा ली। यहाँ 0.33 है, 0.33 है, कितना हो गया 0.66,
फिर 0.33 है कितना हो गया 0.99, फिर यहाँ पे 0.99 में और क्या ऐड होना है 0.03, 93 12, 9 8 10, 0 और ये आ गया 1। तो अब आपको पता चल गया 379 में क्या ऐड होना है 1.12, इसमें ऐड करोगे 1.12 तो आपको क्या मिलेगा 380, तो यहाँ पे क्या मिलेगा सॉरी यहाँ पे जीरो होना चाहिए, क्लियर। तो आपका आंसर क्या आएगा 380.2, क्लियर। तो वैसे भी जब आपका ये 379 आ गया था आपको पता चल गया था 379 के बिल्कुल आसपास आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन में यही ऑप्शन था जो 379 के आसपास था, यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यस स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपको अप्रोक्सीमेशन का यूज करना पड़ता है, आप लोगों को ऑप्शंस की को देख के आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर्स मार्क करने होते हैं। जैसे मैंने वो क्वेश्चन बताया था जिसमें इस साइड की सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू इस तरह से दी थी, अब हमें पता है कि एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो एटलीस्ट एक परफेक्ट स्क्वेयर होना ही चाहिए। स्टूडेंट्स, चीजें ये बहुत गंभीर हैं, बड़ी सीरियस चीजें हैं, ध्यान से इस चीज को समझना, ये आने बहुत हेल्पफुल चीजें हैं। यही चीजें मैंने मास्टर करके बैरियर्स बैंकिंग एग्जामिनेशन में फुल स्कोर किया हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52.5 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 4, ब्रैकेट में ये इसने रखा हुआ है, डिवाइड करना है आपने उसको 9 के साथ और प्लस 92 करना है उसमें, फिर आपने बताना है वो वैल्यू किसका क्यूब है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में वो कुछ नहीं चेक करता, वो सिर्फ आपकी बोर्ड मार्क्स के ऊपर कमांड चेक करता है, क्लियर। अब यहां से बात को बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन है आपका 52.5 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई बाय 4, होल वैल्यू को डिवाइड करना है आपने 9 से और प्लस 92 करके आपने बताना है ये किसका क्यूब होगा, क्लियर। अब आप लोग यहां से एक चीज नोट करें, ये चीजें ब्रैकेट में हैं तो पहले ये वैल्यू पूरी की पूरी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद आप उस चीज को 9 से डिवाइड करोगे, क्लियर। तो करो मल्टीप्लाई, 52.5 को देख के बच्चों को लगेगा यार बड़ा डिफिकल्ट है, तो देखो 52.5 का डबल तो आराम से कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे करेंगे 52 का डबल, मतलब ये 4 को हम लोग लिख लेंगे 2 into 2, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिखा, ताकि चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। 52 का डबल कितना होगा, 50 का डबल 100, 2 का डबल 4, 104 और 0.5 को 2 से करेंगे तो वैल्यू 1 बनेगी, तो ये कितना बनेगा 105, क्लियर। इंटू 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 92 आपने बताना है किसका क्यूब होता है, तो कर सकते हैं इसको 9 1 9 9 2 18, 2 2 4, 4 को करना है 105 से, तो 100 को 4 से किया 400, 5 को 4 से किया 20, कितना बन गया ये 420, क्लियर। इसमें 92 ऐड करने हैं किसके करिए, ये कितना बनेगा 512, 512 अगर आपको पता होगा कि किसका क्यूब होता है तो आप डायरेक्ट आंसर मार्क करोगे 8 का, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 8। ये मैंने समझाने के लिए इतना लंबा करा हुआ है, आप लोग इसको सिंगल स्टेप में भी सॉल्व कर सकते थे, क्लियर। अब देखो क्यूब अगर 512 आपको नहीं पता है तो आप क्या करने बैठोगे, वहां पे क्यूब रूट निकालने की कोशिश करोगे, तो इतना टाइम एग्जाम में नहीं है। 1 से लेके 12 तक के क्यूब, ये मैं हर क्लास में सभी बच्चों को बोलता हूं, चाहे वो छोटे से छोटा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे बड़े से बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लियर। सो हियर योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका सिंपल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में भी आपकी एबिलिटी को चेक किया जाता है, आप चीजों को कितनी जल्दी सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो लेट अस सी। सो सबसे पहली बात इसमें यह है कि आपको स्क्वेयर रूट निकालना पड़ेगा किसी वैल्यू का, क्लियर। तो स्क्वेयर रूट निकालने आपको आने चाहिए, स्क्वेयर रूट की वीडियो जो है ट्रिक वाली वो मैंने अलग से बनाई हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां पे जाके उसको देख लेना, क्लियर। इसके साथ साथ क्यूब रूट की भी है वो भी आप लोग देख लेना, क्लियर। जिसका स्क्वेयर रूट निकाल दे कैसे, मैं जल्दी जल्दी निकालूंगा, 4 और 6 से जा सकता है, ये 5 के आसपास है, 6 5 30 होता है, 29 30 से छोटा होता है, तो 29 छोटा होता है, तो इन दोनों में से आंसर कौन सा बनेगा 54, तो इस वैल्यू का जो स्क्वेयर रूट बनेगा 54 बनेगा, क्लियर। मैंने अभी आपको समझाने के लिए फिर भी बोला है, नहीं तो इससे भी जल्दी आप स्क्वेयर रूट निकाल सकते हो 4-5 सेकंड के अंदर, उसके लिए आप लोग वो शॉर्ट ट्रिक की वीडियो देख लेना, क्लियर। सो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे करना था, 28 इंटू 2
इंटू 864 डिवाइड में लिखेंगे 54 इज इक्वल टू x प्लस 540, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है। तो देखो 54 काटना है, 21 से 2 काट लो, 27 से काट दो इसको, ये 9 के टेबल में आ जाता है, 93 से 27, 99 से 81, 5 कैरी, 9, 6 से 54, क्लियर। 31 से 3, 33 से 9, 32 से 6, क्लियर। अब आप मुझे कैसे पता चला ये वैल्यू 9 से कटेगी, तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बड़ी छोटी सी चीज है, बेसिक सी चीज है, आपको अगर चेक करना हो कोई वैल्यू 9 से कैंसिल होगी तो आप लोग उसका सम करिए, 8 6 14 4 18, मैंने किया 18, यस 9 से कि 18 9 के टेबल में आ जाता है 18, तो ये पूरी वैल्यू 9 से कट हो जाएगी, क्लियर। तो अब देखो 32 को मल्टीप्लाई कराना है 28 से। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर फिर भी मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ रहा है, क्या करेंगे। सो देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक आप लोग लगा सकते हो, डायरेक्ट सिर्फ 5 सेकंड में आपको बताता हूँ कैसे ये आंसर आ सकता है। देखो 32 और 28 है, 32 30 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने ऐसे नहीं करना है, आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है, मैं बताऊंगा कैसे। 28 30 से कितना दूर है, 2, तो आपको पता है ये किस फॉर्म में बन गया, a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो 30 का स्क्वेयर कितना, सबको पता है 900, बी 2 का स्क्वेयर कितना होता है 4, तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी 896, क्लियर। इस तरह से आप लोग ये वैल्यू, मैं समझाने के लिए इतना टाइम लगा, जैसे आपने देखा 32 28, अच्छा दोनों दो दो दूर हैं 30 से, 30 से 30 का स्क्वेयर 900, 2 का स्क्वेयर 4, 900 में से 4 निकाले, आंसर आ गया 896, क्लियर। तो इस तरह से 896 इज इक्वल टू एक्स प्लस 540, अब क्या करना है, 540 आपने माइनस करने हैं, 6 से 0 गया 6, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 5 गए 3, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका इसका 356। फिर आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी स्टूडेंट्स, इस चीज को हम लोग बोलते हैं बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। इससे आपके जो 50% केसेस हैं, 50% केसेस हैं आपके मल्टीप्लिकेशन के, वो सॉल्व हो जाते हैं। फिर जिन भी नंबर्स का, जैसे मैं बात करूं 72 और 78 के मान लो, तो इनके बीच का डिफरेंस इवन डिफरेंस है, 6 डिफरेंस है, तो आप इसमें ये ट्रिक लगा सकते हो, क्लियर। तो आप लोगों ने ये चीजें धीरे धीरे सीखते जाना है, यही शॉर्टकट्स बनते हैं, लेकिन शॉर्टकट ऐसा नहीं है मैंने आपको सिखा दिया आज, मैंने करके बता दिया आपको आ गया, नो। जब तक आप इन चीजों की खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे बैठ के, आपकी चीजें पक्की नहीं होने वाली हैं, क्लियर। सो देखो ये 32 को 28 से मल्टीप्लाई करा के, देखो मल्टीप्लाई सबको आती है करने, एग्जामिनर का कोई मोटिव नहीं होता आपकी मल्टीप्लिकेशन चेक करने का, बस वो आपको चेक करता है कि आप एग्जाम के प्रेशर में बैठ के कैसे अपने आप को कूल एंड काम रख के चीजों को आसान बना सकते हो, क्लियर। तो एग्जामिनर के माइंड को भी समझना कई बार जरूरी हो जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज 356। आई होप ये ट्रिक आपको काफी अच्छी लगी होगी स्टूडेंट्स। इसी तरह की ट्रिक्स अगर आपको चाहिए और आप चाहते हो क्वांट सेक्शन आपका बेहतरीन हो जाए, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके बता देना कि सर इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, हम लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका परसेंटेज के ऊपर। देखो 58.33% ऑफ 408 प्लस 62.5% ऑफ 360 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय व्हाट। तो अब कुछ बच्चे तो इस क्वेश्चन को देख के इतना डर जाएंगे, वो बोलेंगे यार बैंक का एग्जाम तो कभी क्लियर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब आपको 58.33% देखने को मिल गया, आप तो डर गए, आपने कहा यार इसकी परसेंटेज कैसे निकालूंगा, पहले 58.3 को ऐसे लिखूंगा, फिर इसका परसेंटेज का 100 लिखूंगा, फिर 408 का निकालूंगा, तो कैसे इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ना पेपर में आती है। तो देखो परसेंटेज को ब्रेक करके ये जो क्वेश्चन है ये आपका बेस्ड है किसके ऊपर, परसेंटेज टू फ्रैक्शन की एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैं इसके सारी के वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा, चीजों को ब्रेक करके। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन अगर आपको आती होगी तो ये क्वेश्चन आप इजीली ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। देखो 58.33%, इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 50% प्लस 8.33%, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता होगा कि 50% क्या मतलब क्या होता है, 1/2, पता है, क्लियर। आता कैसे है, 50 को डिवाइड किया 100 से, ऐसे निकालते हैं 1/2। अब 8.33 आपको पता है, अगर आप
100 को किससे डिवाइड करो, 12 से। क्लियर, करिए 12 से डिवाइड, 12 अठे 96। क्लियर, पीछे क्या बचा, पीछे क्या बचा 4, तो बनेगा 40। 12 को 3 से किया तो कितना बना 36, फिर 4 कैरी बचेगा। इस तरह से ये आपका चलता रहता है 8.33%। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें आसान लगे। तो आपको पता चल गया कि 8.33 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, 1/12 की। क्लियर, तो ये चीजें अगर आपको आती होंगी तो आप लोग आसानी से ये चीजें सीख सकते हो। क्लियर, तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन की भी मैंने वीडियो एक आपको लिए अपलोड कर दी हुई है। अगर आपको चाहिए होगा कि इसके इस तरह की और चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूं शॉर्टकट्स, तो आप लोग मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर देना जरूर। क्लियर, तो मैं आपके लिए ये वीडियो इस तरह की बनाता रहूंगा। क्लियर, सो स्टूडेंट्स अब आपको पता चल गया 1/2 + 1/12 निकालना है 408 का। क्लियर, तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ पेपर में कैसे करना था। आपने देखा 58.33%, अब अप्रोच बताता हूँ पेपर में बैठ के कैसे सोचना होता है। आपने जैसे देखा 58.33% आपको स्ट्राइक कर गया, यार 0.33 तो 1/12 के केस में आता है, तो 50% है, इसका आधार निकाल लो। नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट 204। अब इसको इसका 1/12 निकालना है, 12 से डिवाइड करना है, 12 36, पीछे बचे 4, 48, 12 48, बस ये वैल्यू बन गई। आसान हो गया, इजी लग रहा है। क्लियर, 62.5 देखते ही स्ट्राइक करता है, 5/8 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। ये कैसे पता चल रही है वैल्यू स्टूडेंट्स, मैंने प्रैक्टिस करी हुई है, मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन का टॉपिक बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है। आप लोग इसको पढ़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक आपको मिल जाएगा, फिर आप लोग अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर मेरे से डिस्कस करिए। क्लियर, काटो इसको 8 4 32, कैरी बचा 440, 8 5 40। क्लियर, अब 45 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा, ये 238 बना था, 225। क्लियर, करिए इसको ऐड करने की जरूरत है, 8 5 13, 3 और 2 5 और 1 6, 463। सो यस स्टूडेंट्स, 463 आपके पास आ गया, 463 को अब आपने क्या करना है, किससे डिवाइड कराना है, 463 को डिवाइड कराना है 18 से, तो कराइए 18 को 2 से करोगे तो 36, कैरी बचा 103, तो 8 5 आपका होता है कितना 90। तो कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू जाएगी, पॉइंट में, पॉइंट में आंसर कोई नहीं है, तो इसमें से राइट आंसर हम लोग क्या टिक करेंगे, नन ऑफ दीज। क्लियर, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपने करना है ये, अच्छा ये वैल्यू जो है इसमें वो स्क्वेयर्स और स्क्वेयर रूट को आप किस तरह से ब्रेक कर पाते हो वो चीज आपकी चेक की गई है। तो देखो 243 का स्क्वेयर है, डिवाइड में लिखा है 27 का स्क्वेयर इंटू 32 डिवाइड में 12। क्लियर, तो 243 की अगर हम लोग बात करें तो आपको ये चीज देख के थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए कि यार 243 ही क्यों लिया इसने। चलो देखते हैं, लिखिए इसको ब्रेक करके, मैंने बताया है ब्रेक करके चीजें आसान हो जाती हैं। 27 × 27 × 32 / 12, ये आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। क्लियर, अब आप इसको कितनी जल्दी करवाते हो वो आपके ऊपर है। तो करना क्या है, देखिए काटना ही है, बस काटिए। 27 के टेबल में ये डायरेक्ट आ सकता है, सोच सकते हो आप लोग, देखो सोचो 27 को अगर 10 से करेंगे तो 270 बनेगा, 27 को 9 से करके देखो, 9 7 9 7 63 6 9 18 4 6 24 बन गया। क्लियर, तो 9 से ये काट दोगे आप लोग, 27 फिर ये 9 से काट दोगे। क्लियर, 3 से ये 4 3 4 12, 3 3 9, 4 1 4 8 3 8 4 32, सो 9 3 27, 27 को 8 से, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, आप लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 216। क्लियर, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स ये चीज मुझे कैसे स्ट्राइक करी, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं 27 का टेबल जो है वो लर्न करा हुआ है, या फिर कह सकते हो 27 का टेबल कभी ना कभी यूज करा हुआ है। तो एक चीज ये भी देखने की होती है, आप इसको छोटा करके भी काट सकते थे, 9 से काट सकते थे, 9 3 27, 4 और 3 7 और 2 9, मैंने बताया है डिविजिबिलिटी टेस्ट से आप लोग चेक कर सकते हो कटेगा या नहीं कटेगा। क्लियर,
तो ये चीजें सिंप्लीफिकेशन इजी सी चीज है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन है आपका, वही है आपका मल्टीप्लीकेशन चेक हो रही है, सिंपल। ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने कर भी लिया था, फिर से कर लेते हैं। देखो 6/5 मल्टीप्लाई 7/8, इस तरह से आपने पेपर में करना है। प्रॉपर अप्रोच आपको समझा रहा हूँ, 2, 4, 2, 5। क्लियर, देखो कटता है कुछ, जो कटता है वो काट दीजिए। 7 × 7, 7 × 3 = 21, 3 × 3, 8 × 3 = 24, 8 से ये कटा, ये काट दिया, 5 से इसको काटना है, 5 चौके। इस तरह से आपने पेपर में इतनी स्पीड में करनी है चीजें। क्लियर, 485 को 6 से मल्टीप्लाई कराना है, 6 × 5 = 30, 8 × 6 = 48, 51, 5 × 6 = 24, 5 × 29। यस, 22910 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन पहले कर लिया था। अब मैंने ये आपको बताया कि ऐसे आप लोगों ने पेपर में चीजों को जल्दी जल्दी काटना है और आंसर आपके जो है वो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगेंगे। क्लियर, और 30 सेकंड में अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो आप इजिली अच्छा खासा स्कोर 35 में से 30+ स्कोर इजिली कर सकते हो। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे स्टूडेंट्स। सो अगर आपको ये क्लास मजेदार लगी है, कुछ ना कुछ आपने नई चीज कोई सीखी है, तो आप लोग क्या करेंगे उसके लिए, आप हमारे सेशन को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को शेयर करिएगा। सो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, JKSSB क्लास 4th की क्लासेस ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुकी हैं, जिसमें मैथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, साइंस आपकी कंप्लीट होने वाली है, जल्द ही GK आपका स्टार्ट होने वाला है, जनरल नॉलेज। क्लियर, तो आप उन सारे कैंडिडेट से भी हमारे चैनल को शेयर कर सकते हो। इस नंबर पे किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना पर्सनली, तो मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज़।